इतना सब लोग यही रोड पर ही बिता रहे हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि समस्याएं जब आती है तो लोग उसके निराकरण के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध या हम कहें तो अपना आग्रह रखने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे सरकार भी संजीदा है इन मामलों को लेकर के और सरकार भी इन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। आज राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 113 दिन हो गया। हम लोग अभी प्रदेश कार्यालय में आके हम लोग अपना मांग पत्र दिए हैं और इनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम लोग माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और आपको मांगों का जो है हम लोग समर्थन करते हैं और आपकी मांग जो है पूरी हो। उन्होंने इस तरह का आश्वस्त संतुष्ट हैं। संतुष्ट तो है क्योंकि कहीं ना कहीं तो क्योंकि हम लोग कई सत्ता पक्ष के विधायक लोग से भी मिले हैं और सभी लोग समर्थन किए हैं, हम लोगों का मांगों को जायज ठहराए हैं और जल्द से जल्द सरकार से मांग पूरी होगी ये माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा भी बोला। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का भी हम लोग मानदेय लागू करें, हम लोग यही निवेदन किए थे शुरू से कि प्रोत्साहन राशि को हटा के हम लोग को एक मानदेय दे दिया जाए क्योंकि प्रोत्साहन राशि जो है अलग अलग काम का अलग अलग तरीके से मिलता था और समय पर नहीं मिलता था। सबसे ज्यादा दिक्कत ये था कि पूर्ववर्ती सरकार में हम लोग को समय से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता, काम तो पूरा लिया जाता था हम लोग से, प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलता था जिसके चलते हम लोग इस सरकार में अंदरूनी हम लोग मदद की और समझे कि सरकार आज आप ही लोग का है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये उम्मीद लेके थोड़ा सा है कि हम लोग को मामले जो है जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे उसके आधार पर हम लोगों का मांग को पूरा क्योंकि एक पंचायत में 4 स्वयं सेवक, तो जैसे टोटल संख्या हम लोगों का 18 और हर काम का एक अलग अलग प्रोत्साहन राशि निर्धारित, जैसे एक आवास को बनाने में हम लोग 1200 रुपया मिलता था पुलिस स्तर से लेकर छत लेवल, शौचालय बनाने में 25 रुपया मिलता था, राशन कार्ड बनाने में 10 रुपया मिलता था और ग्राम पंचायत प्लानिंग दल जो सरकार का होता है प्लान पंचायत का उसमें दस्तावेजीकरण का काम करने में भी 3200 रुपया करके प्रोत्साहन राशि, ग्राम सभा कार्यकारिणी का जो पेपर वर्क हम लोग करते थे दस्तावेजीकरण उसमें भी प्रोत्साहन राशि, सर्वे करते थे किसी भी प्रकार का तो या तो 50 रुपया या तो 100 रुपया निर्धारित था सरकार का और उसके बाद इसी तरह का और भी अगर कोई विभाग से काम कराया जाता था उसका एक प्रोत्साहन राशि निर्धारित। हम लोग जब मतलब क्या बोलेंगे जब चुनाव शुरू हुआ उस समय माननीय हेमंत सोरेन जी एक प्रोग्राम किया संविदा संवाद कार्यक्रम।